सभी को आज हम पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राम शरण सेठ, प्रोक्ता डाइट, फिरोजाबाद। आज हम इस मंच के माध्यम से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण विधि में लोक कहानी और लोक कथा की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हिंदी की जो शिक्षण विधि है उसमें लोक कथा की क्या उपयोगिता है। हिंदी की शिक्षण विधि में लोक कथा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम शिक्षण विधि देख लें कि शिक्षण विधि कहते क्या हैं। शिक्षण की ऐसी परिपाटी जिससे कि भली प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम बच्चों को, प्रशिक्षुओं को ज्ञान देते हैं, वो क्या होती है, शिक्षण विधि है आपकी। अब महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पर यह भी है कि डीएलएड जो भी प्रशिक्षु कर रहे हैं प्रारंभिक कक्षाओं में जाकर पढ़ाना है हमें, तो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि लोक कथा और लोक कहानी की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। उच्च कक्षाओं की अपेक्षाकृत लोक कथा और लोक कहानी की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सबसे हम पहले चलते हैं कि लोक कहानी, लोक कथा क्या है, लोक कथा से तात्पर्य क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे। लोक कथा, कथा का मतलब यहाँ पर है, सबसे पहली बात यह है कि जो किंवदंती, कथा एक क्या है, किंवदंती है, जो चीज़ें हमें दादा दादी, नाना नानी, या कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हम कह सकते हैं हमारे दादाजी हुए, उनके दादाजी, उनके दादाजी, जो कहानियाँ हम सुनते चले आ रहे हैं, जो कहानियाँ हम सुनते चले आ रहे हैं उसी को लोक कथा। ऐसी भी बात नहीं है कि जो कहानियाँ हम चार पीढ़ी पहले सुनते चले आ रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनके पास भी क्या होगी, जो कथा जाएगी, जो कहानी जाएगी, वो लोक कथा ही कही जाएगी, लोक कथा कही जाएगी। अब कोई एक लोक कथा ऐसे देखिए, अब लोक कथा परियों की होती है, राक्षसों की लोक कथा होती है। अब एक मैं लोक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप यह समझ सके कि लोक कथा और लोक कहानी में क्या अंतर है। अब चलो, अब मेरी दादी ने मुझे सुनाया, मुझे भी याद है अभी तक, कि गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है उस पे 12 बजे रात को एक ऐसा पुष्प खिलता है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिसको कि किसी ने अभी तक नहीं देखा, और जो देखा वो इस संसार में नहीं रहा। तो ये कथा तो मुझे मेरी दादी द्वारा मुझे बताया गया, जबकि इसका कहीं लिखित नहीं मिला कि ऐसा घटना घटा था या नहीं घटा था। तो जो कथा दादी द्वारा मुझे बताया गया वो क्या हो गया, लोक कथा। और लोक कथा क्या है, अभी हम लोक कथा को क्लियर कर रहे हैं। लोक कथा क्या है, लोक कथा में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं के लिए क्या है, शिक्षण विधि में हम लोक कथा का प्रयोग करें कैसे। आज जो भी टीचर नए आते हैं वो पहले हमारे यहाँ जो पारिवारिक कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार रहता था, अब परिवारों का विघटन हो गया है। पहले संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो बच्चा लोक कथा सुने कहाँ से, लोक कथा सुने कहाँ से, यह महत्वपूर्ण होती है। तो आज क्या हो गया है, आज एकांगी परिवार हो गया है, एकल परिवार हो गया है, पति पत्नी और बच्चा। तो पति पत्नी तो होते हैं, अब पति पत्नी के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चे को परियों कहानी,
राक्षसों की कहानी या ऐसे पेड़ पौधे कहानी कोई सुना पाए, तो क्या हो रहा है? अब जो टीचर भी आ रहे हैं, चूंकि वो भी नहीं जानते हैं, जो आने वाले पीढ़ी है वही तो टीचर, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर बनेंगे, और उनके पास तो वो मिला ही नहीं है लोक कथा, चूँकि उनको सुनाया नहीं गया कभी, न परिवार के पास समय बच रहा है, न माँ बाप के पास समय बच रहा है अपने बच्चों को सुनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लोक कथा का लोप होता जा रहा है। अब जो वही वही व्यक्ति, वही बच्चे आगे चलकर शिक्षक बनेंगे, तो अपनी कहानी के जो शिक्षण विधि है, भाषा में, भाषा की शिक्षण विधि में प्रारंभिक कक्षाओं में लोक कथा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए कहा जाता है कि अपने माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास ही बैठना चाहिए। तो हम चलते हैं हिंदी शिक्षा में लोक कथा का प्रयोग कैसे करेंगे, लोक कथा का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम, जैसे भी मैंने बताया कि मेरे दादी द्वारा, आप भी ऐसे बता सकते हैं क्लास में जाकर, आपको सुनाया गया हो या ना सुनाया गया ये बात अलग हुआ, लेकिन आप भी ऐसा बता सकते हैं कि मेरी दादी बताती थी कि जो नदी के किनारे एक पेड़ है, उसमें एक राक्षस रहता है, रात में कोई वहाँ जाता नहीं है, और जो जाता है वो डर कि मर गया है अभी तक। तो आप जब लोक कथा अपने कक्षा में बताएंगे बच्चों को, तो उनमें भाषा कौशल का, जो सुनने के कौशल है, या कह सकते हैं भाषा कौशल के जो चारों अंगों हैं, चारों अंग हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अभी मैं अलग अलग हर का डिफाइन करूँगा, हर का अलग अलग बताऊँगा कि कैसे लोक कथा के माध्यम से चारों कौशलों का विकास होता है। तो लोक कथा जब आप जाकर बच्चों को बताएंगे क्लास में, तो क्या होगा, बच्चों में सबसे पहले सुनने की कौशल का विकास होगा, सुनने के कौशल का विकास होगा। जब आपने बताया कि मेरे गांव के पास एक नदी था, नदी के किनारे एक बरगद का बड़ा सा वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक बड़ा सा राक्षस रहता था जिसका कि बड़े बड़े दो हाथ हैं। तो जब आप यह कथा कह रहे हैं तो बच्चे एकदम शांत हो जा रहे हैं, और भाषा, वहीं से हमारी शिक्षा, भाषा की शिक्षण विधि में लोक कथा का महत्व अब शुरू हो जाता है कि बच्चे क्या करेंगे, कहानी, आपकी जो कथा है उसको बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और किसी भी अच्छे टीचर के लिए, अच्छे क्लास के लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आपका क्लास सबसे पहले शांत होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाषा के शिक्षण विधि में लोक कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो और भी जो चीज़ें हैं, हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ भी लोक कथाओं का क्या कह सकते हैं, प्रयोग टीचर कम करते हैं। वही चीज़ें मैंने बताया पहले भी कि जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची रहते थे तो वो सुनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार हो गया, एकल परिवार के ही बच्चे बच्चे, चाहे एकल परिवार को चाहे संयुक्त परिवार के, जो जैसा समाज चल रहा है वही तो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बनेंगे, तो वो लोक कथा नहीं सुना पाते हैं, लोक कथा नहीं सुना पाते हैं। इस कारण क्या होता है, भाषा के कौशल में जो भाषा के चारों अंग हैं उनका विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। अब भाषा के शिक्षण विधि में, अब लोक कथा के हमने बता दिया सुनना का, अब सुनने के बाद हम भाषा कौशल का, चौथा भाषा कौशल का, के भाषा कौशल में सुनने के बाद हम बोलने पर चलते हैं। बोलना क्या है, जब आपने बता दिया, आपकी दादी द्वारा बताया गया कहानी आपने बता दिया, अब सुनने के बाद बोलेगा कैसा बच्चा? आप भी बच्चों से कह दीजिए कि बच्चे या आप लोग घर जाएंगे और अपने दादी से पूछेंगे कोई कहानी, कोई कथा ऐसी, परियों की, राक्षसों की, समुद्रों की, देवताओं की। तब बच्चे क्या करेंगे, अपने घर जाएंगे, अपने दादी से, अपने चाची से, या जो भी उनके परिवार में श्रेष्ठ होंगे उनसे क्या करेंगे, वो पूछेंगे, पूछेंगे। तो अब हमारा क्या हो रहा है, भाषा कौशल शिक्षण विधि के अंतर्गत लोक कथा में, और लोक कथा के अंतर्गत
भाषा कौशल के चारों अंगों में से अब दूसरा अंग क्या है उसका, बोलना। अब यहाँ से बोलने की शक्ति का विकास होगा, बोलने के कौशल उनकी क्या समृद्ध होगी, शक्तिशाली होगी, उनके पास शब्दों का भंडार होगा, उनमें तर्क करने की शक्ति पैदा होगी, उनमें क्या होगा स्पष्टता होगी बोलने की। जब वो घर जाएंगे तो वो सुनेंगे, सुनेंगे तो क्या आकर क्लास में फिर सुनाएंगे, जब दोबारा सुनाएंगे तो क्या होगा इससे बच्चे बच्चों में, वो तो सुनाएगा बच्चा, वो तो सुना रहा है बच्चा, लेकिन अन्य बच्चे क्या करेंगे सुनेंगे। अब इसके अंदर देखिए कि जो पहला पहली थी भाषा कौशल, भाषा कौशल में जो था आपका सुनना जो था, सुनना और बोलना अब साथ साथ चलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चा एक बोलेगा और बच्चे सुनेंगे। अब क्या हो रहा है ये कंबाइन चल रहा है, एक प्रकार कह सकते हैं कि सुनना तो पहले अलग चला उसके बाद बोलना चला, लेकिन जब बोलना चला तो सुनना और बोलना दोनों साथ चल रहा है, तो यहाँ पर और भी महत्व बढ़ जाता है कि भाषा के शिक्षण विधि में प्रारंभिक कक्षाओं में लोक कथाओं का प्रयोग करना पड़ेगा और करना चाहिए। अब भाषा का यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, भाषा का मतलब आप यही ना समझें कि किसी ने आप ये ना समझें कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भाषा में क्या कोई भी आ जाएगी, भाषा क्या है विचार विनिमय का एक माध्यम है, वो चाहे हमारी विचार विनिमय हम हिंदी में करते हों, चाहे अंग्रेजी में करते हों, संस्कृत में करते हों, उर्दू में करते हैं, फारसी में करते हों, जापानी में, फ्रेंच में, किसी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पर भाषा। अब हम चलते हैं, मैंने बताया ना अब सुनना अब बोलना क्या हो रहा है एक साथ हो रहा है, भाषा कौशल में सुनना और बोलना एक साथ चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब आप लोक कथा सुनाएंगे तो बच्चे में कौन कौन सा विकास होता है, सृजनात्मकता शक्ति विकास होता है, उसमें क्या बढ़ती है तर्क शक्ति का विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, प्रभावी संवाद होता है। अब प्रभावी संवाद होगा कैसे, अगर कोई बच्चा लोक कथा का सुना रहा है कक्षा में तो संवाद कैसे हो जाएगा, संवाद होगा जब आपने बताया या चलिए बच्चे ने आकर एक कहानी बता दी कोई कथा कि हमारे गांव के पास खेतों में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ है, जामुन के पेड़ पर दो बंदर रहते हैं, एक बंदर बहुत ही काला है, उसकी आंखें डरावनी हैं, और वो जो भी जाता है जामुन खाने के लिए उसको क्या करता है मारता है पीटता है, उसके सपनों में भी आता है। तो देखिए बच्चा तो एक कह रहा है जिसको कि आपने कहा था ना कि बच्चे जाकर अपने बड़ों से कथाएं सुनकर आएंगे और यहाँ पर बताएंगे, तो बच्चा बंदर मारता है तो यहाँ पर क्या होगा उसके बच्चे एकदम डर जाएंगे कि ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है। बच्चे एकदम जो बच्चा बोल रहा है उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे। तो भाषा कौशल के अंतर्गत सुनने और बोलने की प्रक्रिया एक साथ होना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ यहाँ बात और ध्यान देने योग्य है कि भाषा जब भी हम लोक कहानी या लोक कथा के माध्यम से अगर हम भाषा को पढ़ाने का तरीका अपनाएं तो टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं कम मेहनत में हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, कम मेहनत में हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। अब लोक कथा सुनना और बोलना, अब हो गया पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं जब भी आप क्लास में जाएं, जब भी टीचर क्लास में जाए तो क्या करें वहाँ पर आप लोक कथाओं को जो बच्चा बता रहा है उससे क्या करें आप उसे अल्टरनेट कर दें, जैसे मैंने लिखा, जैसे सुरेश ने लिखा, रमेश ने, सभी बच्चे लिख लेंगे करीब करीब। आप ये बोल दीजिए जब एक बच्चा बोल रहा है, या आप यहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हैं कि सभी बच्चे लिख कर लाएंगे और उसको पढ़ेंगे क्लास में आकर, सभी बच्चे लिख कर आएंगे और कक्षा में उसे आकर बोलेंगे। तो आप क्या करें अब हमें पढ़ने के कौशल का विकास करना है, पढ़ने के कौशल विकास करने के अंतर्गत हम रमेश की कापी सुरेश की दिनेश की महेश को रीता को सुनीता को क्या कर सकते हैं हम किताबें दे दें जो भी वो कापियाँ लाई हैं, सॉरी जो यहाँ पर कॉपी लाई हैं उसको दे दें। तो क्या होगा यहाँ पर
बच्चे में भाषा कौशल के अंतर्गत, बच्चे में भाषा के कौशल के अंतर्गत पढ़ने की कौशल का विकास होगा, पढ़ने का कौशल विकसित होगा। निश्चित तौर पर जब पढ़ेगा, जब बच्चा पढ़ेगा तो उसमें शब्दों का उच्चारण कहाँ से करना चाहिए, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत्य स है, इसका भी उच्चारण बार बार करेगा और बार बार पढ़ेगा। क्योंकि क्या है मैं, हाँ एक चीज़ और ऐसी में कि लोक कथा में टीचर को कम मेहनत करना पड़ रहा है और बच्चों में क्या हो रहा है, भाषा के कौशल का चारों अंगों का विकास हो जा रहा है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात एक और है कि हम भाषा के शिक्षण की विधि में स्थानीय परिवेश का भी प्रयोग करें, स्थानीय परिवेश से संबंधित जो भी कहानियाँ हैं उनका भी हम प्रयोग, जो भी कथाएँ हैं उनका भी प्रयोग हम करें। लोक कथा के माध्यम से ऐसा ही नहीं है कि भाषा भाषा कौशल का ही विकास होता है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ऐसी बात नहीं है। बच्चे के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। और मानसिक विकास कैसे हुआ, मानसिक विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पर मानसिक विकास तो होगा कि बच्चे बच्चा जब एक बच्चा बताया है कि उस पेड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर बंदर है, वो बहुत खतरनाक है, तो यहाँ पर बंदर क्या करता है, बच्चे के दिमाग में क्या होगा, विकास होगा, मानसिक उसका विकास होगा कि बंदर क्या करता है, बंदर तो मांस तो खाता नहीं होगा, बंदर तो कैसा दिखता है, बंदर तो फल खाता होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे में मानसिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास होगा उसको। उसके बाद नैतिक, हमारे यहाँ नैतिक विकास भी है। एक ही और है, लोक कथा के माध्यम से धार्मिक विकास होता है। जैसे हमें राजा परियों की कहानियाँ भी हैं उसमें भी हैं, और धार्मिक विकास कैसे होता है, महाराजा शिवी जिन्होंने कि अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए कबूतर उनसे मांगने के लिए आता है कि मेरे प्राणों की रक्षा की करिए, तो क्या उन्होंने अपने मांस के टुकड़े को भी उसको दान में दे दिया था। उसके बाद लोक कथा के माध्यम को हम और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पर लोक कथा रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास ने कहानी को दो भागों में बांट दिया गया है, साधारण कहानी और अलंकृत कहानी, साधारण कहानी और अलंकृत कहानी। और किसी भाषा शास्त्री ने कहा है, लोक कथा क्या है, लोक कथा मानव के परंपरागत जीवन में एक वसीयत के रूप में प्राप्त है। वसीयत होती है, वसीयत बता दिया जाता है कि फला फला व्यक्ति इनका वसीयत के जिम्मेदार हो, इनका वसीयत का इनके न रहने पर काम करेगा। तो जो लोक कथा है वो क्या है, मानव जीवन को परंपरागत रूप से प्राप्त एक वसीयत है। वही वसीयत ये तो है, हमारे दादी ने सुनाया, हमारे दादी को उनके दादी ने सुनाया, उनके दादी को उनके दादी ने सुनाया, तो ये क्या वसीयत रूप में तुम्हें प्राप्त हो रहा है। लोक कथाओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, लोक कथाओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। अब हम लोक कथाओं का जब भाषा शिक्षण में प्रयोग करेंगे, तो मैंने बताया कि ऐसा है कि नहीं कि भाषा के चार कौशलों का विकास होता है, ऐसी बात नहीं है। भाषा के चार कौशलों के अलावा धार्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जातीय विकास और मानसिक विकास। मानसिक विकास में आप बीरबल और अकबर की कहानियां भी जोड़ सकते हैं, बीरबल और अकबर की कहानियां भी जोड़ सकते हैं। पंचतंत्र की कथाएं हैं, विष्णु शर्मा जी हितोपदेश, पंचतंत्र हितोपदेश क्या है, ये कथाएं कही गई हैं कि एक बनिया रहता था, उसके दुकान थे, तो वो बहुत धार्मिक था, फिर वो पूजा पाठ करता रहता था,
तो इससे क्या हो रहा है, वो लोक कथाओं का ही तो प्रयोग कर रहा है टीचर, और इससे क्या हो रहा है, भाषा के कौशल का विकास हो रहा है। भाषा के कौशल का विकास तो हो ही रहा है। यहाँ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी के शिक्षण विधि में, हिंदी के शिक्षण विधि में कहानी और लोक कथा की क्या उपयोगिता है। तो हम कहानी में तो अभी नहीं चल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लोक कथा की। अब लोक कथा की बात को आप बिंदुवार इस तरीके समझ लीजिए कि लोक कथा सबसे पहले क्या होगा, कक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण होगा, कक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण होगा। दूसरा क्या होगा, समय की बचत होगी, दूसरा समय का बचत होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा उच्चारण स्थानों का ज्ञान होगा, उच्चारण स्थानों का ज्ञान होगा। किसी ने, मुकेश कुमार जी ने पूछा कि वसीयत क्या होता है, वसीयत क्या होता है, वसीयत में जो भी चीज़ें हमें, मान ली हमारे पिताजी ने उनके पास ज़मीन है, तो मान ली 3 जगह ज़मीन है, तो 3 जगह ज़मीन में कौन सी ज़मीन हमें देंगे, ये चीज़ें वो पहले ही लिख देते हैं, पहले ही लिखा गया होता है। ये क्या है आपका, वसीयत है। वसीयत क्या होता है, हमें पहले से ही प्राप्त हो जाता है वसीयत। कुछ लोग अभी कह सकते हैं मरने के पहले वसीयत लिखी जाती है, कुछ लोग और भी क्या करते हैं, कुछ जो एडवांस हो गए हैं कि वो जब सही रहते हैं, उनके पास 2 बच्चे हैं, तो वो जो भी उनके पास संपत्ति रहती है उसको पहले से ही लिख कर, अब तो बहुत सिस्टम आ गए हैं, तकनीकी आ गई है, बैंक के उसके लॉकर में रखवा देते हैं, उसको बैंक के लॉकर में उसको रखवा देते हैं। तो ये क्या होता है, वसीयत होती है। वसीयत हमें क्या होता है, परंपरागत रूप से चली रही है। भाई जाहिर सी बात है, वसीयत जब जब मैं लिखूँगा तो मैं अपने बच्चे के लिखूँगा ना, और मेरे पिताजी मुझे लिखेंगे, उनके पिताजी उनके लिखेंगे। और वसीयत लिखने की बात होती है, तो वसीयत क्या होता है, वसीयत में परंपरागत रूप से चलाता है। भाई जो चीज़ें मैं आज जो चीज़ें बनाऊंगा वो आने वाले कल के लिए जो भी बच्चे होंगे मेरे, उनके उनको काम आएगा। तो उसी प्रकार से जो कथाएं होती हैं, परियों की कहानी, राक्षसों की कहानी, जंगल के बाहर एक गांव है, गांव में बहुत से लोग रहते हैं, उस गांव में एक कुरूप व्यक्ति रहता है, तो ये क्या, ये कहीं से हमें लिखित तो मिली नहीं है, लिखित तो नहीं मिली है ना। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें हमें वसीयत रूप में प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद मैं था वहाँ पर कि लोक कथा के माध्यम से क्या क्या बचत होती है, कहाँ कहाँ में कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समुचित सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। ये क्या होती है, सबसे पहले मैंने बताया समय की बचत, नहीं, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि समय की बचत होती है। उसके बाद इसमें उच्चारण स्थान का ज्ञान होता है, उच्चारण स्थान किस वर्ण का कहाँ से होगा इसका भी ज्ञान होगा, क्योंकि जब बच्चे बार बार बोलेंगे तो वो उसमें बताता चलता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अल्प विराम अर्ध विराम का भी ज्ञान होगा, जब बच्चा बोल रहा है तो उसका भी ज्ञान होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि लोक कथा और कहानी, ये भी कहानी और कथा एक ही है या कोई पूछ रहा है, पवन सिंह पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कथा और कहानी में अंतर क्या है। तो यहाँ पर कहानी के लिए कथा क्या होती है, एक प्रकार से इसको कथा मौखिक रूप में चलती रहती है। कहानी हमें क्या होती है, कहानी हमें लिखित रूप में मिलती है। अब जैसे हम कहानी की ही बात करें, तो कहानी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती 1900 में आई, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और कहानी को बंगला भाषा में क्या कहते हैं, गल्प।
बंगला भाषा में कहानी को गल्प कहते हैं, बंगला भाषा में कहानी को गल्प कहते हैं। और कथा कथा होती है किंवदंती। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वही तुम्हें कथा बता रहा हूँ, जब कहानी बताऊँगा तो क्लियर हो जाएगा, दोनों कथा और कहानी दोनों क्लियर हो जाएगा। तो कथा के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भाषा शिक्षण में या भाषा के शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग, भाषा शिक्षण में कथा का क्या महत्व है। अब हम चलते हैं भाषा के शिक्षण में या हिंदी शिक्षण में, हिंदी शिक्षण में कहानी का क्या तात्पर्य है। तो कहानी की परिभाषा क्या है, पहले इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहानी क्या है? कहानी एक ऐसा सूक्ष्म प्रकरण होता है कि जिसको पाठक या दर्शक, छोटी कहानियाँ होती हैं, पाठक या दर्शक एक बैठकी में उसको पढ़ लेता है, एक बैठकी में उसको पढ़ लेता है। कहानी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, कहानी ऐसी आख्यान होती है जिसको कि पाठक एक बैठक में क्या मतलब हुआ, मतलब हम जैसे अभी बैठ रहे हैं आपके सामने लाइव कर रहे हैं, तो लाइव में क्या होता है, हम तुरंत जान जाते हैं, लाइव में हम तुरंत जान जाते हैं कि ये लाइव 30 मिनट का होने वाला है, 35 मिनट का, ठीक है। तो अब जैसे हम एक उदाहरण समझिए कि कहानी क्या है, मैंने बताया कि एक बैठक में पढ़ सकते हैं हम। तो अब जैसे हम लेते हैं मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह, तो ईदगाह कहानी पढ़ने के लिए हमें ऐसी बात हुई कि हमें आज थोड़ा पढ़ेंगे, कल थोड़ा पढ़ेंगे, परसों थोड़ा पढ़ेंगे। जब हमें पता चलता है कि ईदगाह कहानी में एक बच्चा था, उसकी दादी थी, तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, मेला था, बच्चा था, चिमटा, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हमें लगता है कि अभी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इस कहानी में क्या होगा, तो हम उसको एक बैठक में पढ़ लेते हैं, कहानी एक बैठक में हमें उसको पढ़ लेते हैं। वैसे क्या है, हिंदी साहित्य में इस समय वर्तमान युग में, इस समय वर्तमान युग में कहानी एक सशक्त माध्यम है, कहानी एक सशक्त माध्यम होता है। जितने भी राइटर हैं वो अधिकांश लिखना पसंद करते हैं कहानी को ही, और पाठक भी, जो आज के पाठक वर्ग हैं वो भी क्या करते हैं, कहानी को ही पढ़ना पसंद करते हैं। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, 19वीं शताब्दी से हो जाती है, 19वीं सदी से ही कहानी हो जाती है। कुछ कहानियाँ भी हैं जो आपने सुने होंगे, वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ब्राह्मण में भी हमें कहानियाँ मिल जाती हैं, जैसे यम यमी, पुरुरवा उर्वशी, नल दमयंती, शकुंतला, ययाति, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कहानियाँ हमें मिल जाती हैं। अब जैसे कहानियों की ही हम बात कर लें, तो जब हम ईदगाह को उठाते हैं, ईदगाह में एक पात्र है, क्या नाम है उसका, हामिद। हामिद जो नाम है, वो जो पैसा पाता है मेले में जाता है, तो क्या करता है, पैसा पाता है मेले में जाता है और एक चिमटा लाता है। जिस उम्र में बच्चे को खिलौना लेना चाहिए मेले से, वो क्या लेता है, चिमटा लेता है। तो देखिए कितनी मनोमार्मिक, हृदय विदारक, इसे कह सकते हैं हृदय विदारक कहानी लिखी गई, कि जिस उम्र में बच्चे को एक खिलौना लेना चाहिए उस पैसे का, लेकिन वो क्या लेता है, रोटी को सेकने के लिए एक चिमटा लेता है। यह चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, यह चीज़ें आपके कहानी से ही आ रहे हैं। और हम अब बात करेंगे हिंदी शिक्षण में कहानी क्या उपयोगिता है, कहानी आप शुरू कर सकते हैं, कहानी आप एक बार कहिए तो सही, जैसे ही आप कहानी कहेंगे, जैसे ही आप कहानी कहना शुरू करिए, तुरंत ही
उस कक्षा के बच्चे, हम कक्षा नहीं करें, हम तो करें आप किसी भी बड़े कक्षे में भी, आज हम एक कहानी पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जो कि समाज को झकझोरने वाली घटना है। जैसे ही आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, सामने वाला चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा या बुद्धिजीवी वर्ग हो, वह भी क्या कर रहे हैं, वह क्या करेंगे, वह आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे। कहानी क्या है, कहानी एक गल्प है। अब कहानी को एक तरीके से और स्पष्ट करना चाहिए, कहानी वह रचनात्मक विधा है जिसके द्वारा पाठक के मन में उस कहानी के प्रति कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये स्वयं जो वक्ता है उसको भी नहीं मालूम होता है, जो वक्ता है उसको भी नहीं मालूम होता है। मुकेश कुमार जी, बच्चे के अंदर माँ के प्रति संवेदनशीलता ये क्या है। कहानी ईदगाह में की बात कर रहे हैं, तो ईदगाह में तो यही है, ईदगाह में यह है। तो यहाँ पर कहानी में आज हमने देखा कि कहानी की हिंदी शिक्षण में क्यों उपयोगी है। अब कहानी की उपयोगिता को हम हिंदी शिक्षण में देख रहे हैं, हिंदी शिक्षण में भी कहानी के लिए क्या होगा, भाषा के कौशलों का विकास होगा, भाषा के जो चारों कौशल हैं उनका हिंदी शिक्षण में विकास होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा हिंदी शिक्षण में कहानी पाठ्यक्रम, शिक्षक, विषय वस्तु और छात्र को एक श्रृंखला में बांधे रहती है। हिंदी में कहानी पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को और बच्चों को भी एक श्रृंखला में बांधे रहती है। वैसे मैं फिरोजाबाद डाइट से हूँ, इसमें बच्चे कैसे, अब हम इसका प्रयोग कैसे करें, कहानी का प्रयोग क्यों करें कक्षा में, सबसे पहला प्रश्न ये आता है, कक्षा में हम इसका प्रयोग क्यों करें। तो यहाँ पर कहानी सबसे पहले क्या होगा, भाषा के जो कौशल हैं उनका भी विकास होगा कहानी के द्वारा, हम कहानी के द्वारा भी कर सकते हैं और कथा के द्वारा कर सकते हैं। अब उसके बाद कहानी और कथा में जहाँ तक मेरी समझ है कि हम क्लास 1, 2, 3 के लिए अगर हम कथा का प्रयोग करें, कक्षा 1, 2, 3 तक के लिए अगर हम कथा के माध्यम से हिंदी का शिक्षण कार्य करें और उसके बाद 4 और 5 कक्षा के लिए हम अगर कहानी का प्रयोग करें, तो यह ज़्यादा समुचित होगा और इसका प्रतिफल हमें ज़्यादा मिलेगा और इसमें बच्चे की भाषाई शक्ति का विकास होगा, बच्चे में जितने भी सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, कौशलात्मक शक्ति का विकास होगा। और यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब हम अपनी बात को जब हम कक्षा में रखते हैं कहानी के माध्यम से, चाहे वो साइंस ही पढ़ा रहे हों, विज्ञान को भी अगर हम कहानी के माध्यम से बच्चों को बताएंगे, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये साइंस पढ़ाया जा रहा है या हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं साइंस को भी कहानी के माध्यम से अगर अध्यापक बताए, कहानी का प्रयोग साइंस में भी अगर अध्यापक बता दे, तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, सभी पाठों के लिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बिंदुओं को अध्यापक साइंस
विज्ञान की चीज़ों को भी कहानी के माध्यम से बता दे तो उसका समझाने का तरीका अच्छा होगा और बच्चों में इसकी अर्थ ग्रहण की शक्ति ज़्यादा आएगी। हिंदी के शिक्षण में कहानी और लोक कथा को हमने जाना अलग अलग। अब इसको हम संयुक्त रूप से देखते हैं कि कक्षा के शिक्षण में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो अगर कहानी और कथा दोनों को हम कंबाइन संयुक्त रूप से देखते हैं कि हिंदी की शिक्षण में क्या प्रयोग इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा कि हमारा कक्षा शांत हो जाएगा। ये दोनों के लिए लाभदायक होगा। यहाँ दोनों का मतलब है अध्यापक और छात्र। उसके बाद भाषा के कौशलों का विकास होगा, यह अध्यापक के लिए भी अच्छी बात होगी और बच्चे के लिए भी। उसके बाद सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, बच्चे में क्या होगा, सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, वह भी अपनी टूटी फूटी भाषा में कहानी का निर्माण कर सकेगा। उसे भी अंदर से आत्मविश्वास होगा कि हम भी कहानी का निर्माण, हम भी कथा का निर्माण कर सकते हैं, हम भी गुरुजी की तरह, हम सर की तरह, हम भी कथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं। जब कथा या कहानी कहेगा तो उसके क्या होगा, उसके अंदर भी आत्मविश्वास पैदा होगा, जो कि हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में देखने को कम मिलते हैं। अभी विकास हो रहा है, अभी तो शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विकास भी हो रहा है, लेकिन क्या तब और ज़्यादा विकास होगा। उसके बाद अगला लाभ क्या होगा यहाँ के लिए, अब बच्चे की देखिए क्या होगा, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया, बच्चे में लेखन शक्ति का विकास हो जाएगा और बच्चे की राइटिंग भी सुधरेगी। हम हिंदी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ सुनने, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी आ जाएंगे। हिंदी शिक्षण की बात में लोक कथा का उपयोग क्या है, महत्व क्या है, तो यहाँ भाषा कौशल के चारों अंग भी आ जाएंगे। बच्चे में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो जाएगा, विचारों का विनिमय कर पाएगा बच्चा विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान कर पाएगा, भाव का ग्रहण कर पाएगा, भावों को ग्रहण कर पाएगा। एक कहानी है भालू और किसान की, कि भालू कहता है हमें ऊपर की चाहिए तो किसान चालाकी में दूसरा कर देता है, हमें बीच वाला हिस्सा चाहिए तो किसान दूसरा कर देता है, हमें नीचे का हिस्सा चाहिए तो किसान दूसरी फसल बो देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, भालू और किसान की जो कहानी कही गई उसका मूल भाव क्या है, यह बच्चे के अंदर समझने की शक्ति का विकास होगा। और आप कक्षा में बच्चे को क्या कर सकते हैं कि आप इसके अलावा भालू और किसान, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, इसे आप बच्चे से भी कह सकते हैं कि नहीं, आपको अन्य चीज़ों के लिए, या किसी अन्य जानवर और अन्य किसान से, एक किसान और अन्य जानवर पर कहानी बनाकर लाना है या कहानी आपको सुनाना है। तो बच्चे में क्या होगा, पहले तो बच्चा जो आपने सुनाया भालू किसान की कहानी को, उसको सुना और उसके अर्थ को ग्रहण किया। उसके बाद जब वो किसान और किसी अन्य जानवर पर कहानी बनाकर लाएगा तो क्या करेगा, भाव का प्रकाशन करेगा। जाहिर सी बात है वो किसी और जानवर और किसान का कहानी लेकर आएगा। आप किसान को उसी को रहने दीजिए लेकिन जानवर बदल दीजिए, तो क्या होगा, वहाँ पर भाव का प्रकाशन भी करेगा। अब आप एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और भी कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी शिक्षण में, यहाँ मौलिकता का भी विकास हो जाएगा में होने लगता है। मौलिकता का विकास होगा कैसे, वही चीज़ कि जब आपने बताया कि किसान और किसी अन्य जानवर पर आप चार चार पंक्ति की कहानी बनाकर लाएंगे, तो
जाहिर सी बात है वो अपने मन से ही सोच कर लिखेगा। और आप तो ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने प्रयोग भी किया होगा या प्रयोग कर सकते हैं कि आप एक ही जानवर और किसान को लीजिए और हर बच्चे को दूर दूर बैठाकर आप उनसे चार चार पंक्ति लिखवाइए। हर बच्चे की लेखनी, हर बच्चे की सोचने की शक्ति, हर बच्चे की भाव को प्रकाशन करने का शक्ति अलग अलग आएगा। मैं फिरोजाबाद डाइट पर डीएलएड प्रशिक्षुओं से करा चुका हूँ ये सब चीज़ें कि उनको दो जानवरों का नाम दीजिए और उनको अलग अलग बैठा दीजिए। अब उसी दो जानवरों पर ही उनको कहानी लिखनी है, 10 पंक्ति की, 15 पंक्ति की, 20 पंक्ति की। ये अपने संस्थानों में कर सकते हैं और आप प्रशिक्षु जो देख रहे हैं वो भी, जब आप विद्यालय में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए तो वहाँ भी ये बच्चों से आप करा सकते हैं। इससे हिंदी के शिक्षण के उपयोग